हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रिल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फुल कटिंग है इसमें और ये बोट नेक पर नहीं है, सिंपल ब्लाउज़ है। तो इसमें सिंपल ब्लाउज़ का ही मेज़रमेंट आपको लेना है। अगर आप बोट नेक बनाना चाहते हैं तो बोट नेक का जो मैंने चार्ट अपलोड किया है उसके अकॉर्डिंग आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ मीटर फैब्रिक लिया है और जो मेन फैब्रिक है वो ब्लाउज़ की पीस के अकॉर्डिंग है 80 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं यहाँ पर 32 साइज़ का बना रही हूँ, अगर आप हैवी साइज़ का बनाना चाहते हैं तो 1.5 मीटर फैब्रिक लीजिएगा। और ये अस्तर का जो फैब्रिक है वो सैंटून फैब्रिक है, थोड़ा शाइन पर है ये। इसे मैंने डबल फोल्ड करके अपनी तरफ रखा है, चार फोल्ड में ही ये कपड़ा। और शोल्डर लेने हैं यहाँ पर 32 साइज़ डीप नेक के अकॉर्डिंग 5 इंच और आर्मोस लिए हैं 1.25 इंच। मैं यहाँ पर डीप नेक पे बना रही हूँ, 32 साइज़ का ब्लाउज़ है ये, 1 टक्स पर है। और यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद 1/2 इंच हम बाहर की तरफ लेंगे इस तरीके से। और देखिए इस तरीके से हमें 1 इंच पे गुलाई कर देनी है। ये आर्मोल्स की गुलाई हमने यहाँ पर दे दी है। अब हमें लेंथ लेनी है तो लेंथ आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पर 13.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि 12.5 इंच मुझे टोटल लेंथ तैयार रखनी है। इस तरीके से नीचे कमर के लिए मैंने मार्किंग कर ली है। कमर 26 इंच है, उसका 4th पार्ट लेंगे हम 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद देखिए इस तरीके से मिला लेंगे। और साइड से मैं 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि आगे और पीछे की तरफ हम प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से। तो ये 1.5 इंच मार्जिन मैंने सिर्फ नीचे की तरफ से लिया है, ऊपर से नहीं लिया है। दोनों ही पार्ट हमने आगे और पीछे के यहाँ पर मार्किंग कर ली है साथ में। अब हमें इस तरीके से कटिंग करनी है इसकी। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप फ्रिल ब्लाउज़ रेडी कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसका बनने के बाद। तो देखिए हमने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 32 साइज़ के लिए 1/2 मीटर फैब्रिक लिया था अस्तर का और इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड में इसे करके रखा है और दोनों ही भाग मैंने आगे और पीछे के साथ में कट कर लिए हैं यहाँ पर। अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर रख कर कट कर लूँगी। देखिए तो यहाँ पर ये 80 सेंटीमीटर ही पीस था मेरे पास। आप ज़्यादा बड़ी फ्रिल लगाना चाहते हैं, इसमें मैं 5 इंच की फ्रिल तैयार करूँगी, तो आप 1 मीटर फैब्रिक या हैवी साइज़ के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक लीजिएगा। बचे हुए फैब्रिक में से मैं यहाँ पर फ्रिल कट करूँगी। तो देखिए मेन फैब्रिक पे मैंने रख कर इसे कट कर लिया है। अब आगे और पीछे के भाग हम अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए बराबर से कर लेना है हमें इसे। अब यहाँ पर 1/2 इंच की गुलाई हम देंगे। हम इसमें स्लीव्स नहीं लगा रहे हैं तो मैं गहराई यहाँ पर ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल हल्की सी गहराई मैंने कट की है यहाँ पर। अगर आप स्लीव्स लगा रहे हैं तो आप छोटी स्लीव्स भी इसमें लगा सकते हैं। गले की चौड़ाई 2 इंच लेंगे। अगर आप पीछे डोरी लगा रहे हैं तो 2.5 इंच तक ले सकते हैं। गले की लंबाई 6.5 इंच रखी है और यहाँ से मैंने 2.5-3 इंच पर मार्क कर सकते हैं आप इस तरीके से। नीचे से आप नेक को थोड़ा और फैलाना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग फैला सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है नेक की। मैंने यहाँ पर राउंड नेक रखा है, आप अपने हिसाब से कोई भी नेक बना सकते हैं। यहाँ से टक्स के लिए चौड़ाई में 3 इंच लिया है और ऊपर से लंबाई में आप 9 या 9.5 इंच पर मार्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 इंच पर कर रही हूँ और 1/2 इंच 1/2 इंच 1/2 इंच दोनों तरफ से आपको ले लेना है इस तरीके से। 1/2 इंच 1/2 इंच दोनों तरफ से लेने के बाद मार्किंग कर लेनी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मार्किंग करनी है। अब हम बैक पार्ट के लिए, नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 2 इंच क्योंकि मैं इसमें डोरी नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने गले की चौड़ाई कम ही रखी है। और जो नेक की लेंथ है वो ले रही हूँ मैं 9.5 इंच, 9.5 से 10 इंच पे आप मार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ से लेंगे हम 3-3.5 इंच पे, आप जितना पीछे से ब्रॉड पहनना चाहें आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ पर शेप दे दिया है, आगे और पीछे की तरफ मैंने राउंड शेप ही रखा है। और मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। ये देखिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ब्लाउज़ की मार्किंग हो गई है, अब हमें फ्रिल के लिए मार्किंग करनी है। तो मेरे पास ये देखिए इतना लंबाई में और चौड़ाई में कपड़ा बचा हुआ है
जिसकी लंबाई है यहाँ पर देखिए 23 इंच लंबाई में है ये, और इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है तो 16 इंच ये चौड़ाई में है। हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसे चारों तरफ से अच्छे से बराबर कर लेंगे कट करके। और ये जो किनारी वाला पार्ट निकल रहा है इसे भी हम निकाल के कट कर देंगे क्योंकि ये ब्लाउज़ में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए इस तरीके से अब मैंने इसे एक बार फोल्ड किया है बराबर से और एक बार फिर से फोल्ड किया है, तो मैंने 4 फोल्ड यहाँ पर इसे कर लेने हैं। इसमें हमारी 4 लेयर निकल जाएगी, 2 लेयर एक तरफ की रहेगी और 2 लेयर एक तरफ की रहेगी। 5 इंच चौड़ी ये हमारी फ्रिल बनेगी। अगर आप चौड़ाई में और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपको फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। ये देखिए हमारी फ्रिल निकल चुकी है इस तरीके से, बीच से भी मैं कट कर दूंगी। तो ये बिल्कुल जो मेज़रमेंट से मैंने ली है ये बिल्कुल बराबर बैठी थी ब्लाउज़ के ऊपर। 5 इंच चौड़ी है ये फ्रिल, इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 5 इंच चौड़ी है ये पट्टी, इसी की हम फ्रिल बनाकर लगाएंगे ब्लाउज़ में। तो ये 4 पट्टियाँ मैंने कट कर ली है, कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मैन फैब्रिक को मैंने इस तरीके से रखा है और यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े को मैंने इस तरीके से रखा है। अब हमारा जो नेक है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। कपड़े के ऊपर मैंने पिन लगा ली है ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना और कोई भी अंदर की तरफ सल या क्रीज ना रहे। हाथ से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है आपको। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके निकाल दिया है। अब हमें बैक पार्ट भी इसी तरीके से रेडी करना है। उससे पहले हम देखिए यहाँ पर प्लीट्स के लिए जो मार्किंग की है उसके ऊपर एक एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमने जो प्लीट्स के लिए मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसी तरीके से बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है और बैक पार्ट को हम बीच में से कट कर लेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे साइड हुक या साइड जिप के साथ भी बना सकते हैं या तो फिर आप फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। और बैक पार्ट में हम इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स लगा लेंगे। ये देखिए हमने प्लीट्स लगा ली हैं। अब यहाँ पर हम हाई की पट्टी लगाएंगे, तो 2.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर पट्टी कट की है और उसे इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देना है। दूसरी तरफ आपको हुक की पट्टी लगा लेनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर हाई और हुक की पट्टी लगाकर इसे रेडी कर लिया है। उसके बाद हमें शोल्डर जॉइंट करना है, तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए शोल्डर जॉइंट कर लिया है और मैंने यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग लगा रही हूँ नेक के ऊपर। फ्रेंड्स इस पाइपिंग को कैसे बनाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दी जाएगी, आप देख के बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अलग कलर में कंट्रास्ट कलर में पिंक कलर के कंट्रास्ट में यहाँ पर पाइपिंग लगा रही हूँ इस तरीके से। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसे बनाना और लगाना सिखाया है आपको, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए हम नेक के ऊपर इसे फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे और इसे लगाने के लिए मैंने यहाँ पर फुट भी चेंज किया हुआ है मशीन का।
तो देखिए एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट करके हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और पूरे ही नेक पे अब हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से फिनिशिंग के हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से फिनिशिंग से आपको सिलाई लगा लेनी है नेक के ऊपर। नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी उड़ेप पट्टी कट की है, तिरछी पट्टी, उसे फोल्ड करके हमें इस आर्मोज जो है हमारे उस पर लगाना है। अगर आप स्लीव्स लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर छोटी स्लीव्स भी लगा सकते हैं। मैं अंदर की तरफ स्लीव्स नहीं लगा रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और उसे डबल फोल्ड करके यहाँ आर्मोज पर लगा लिया है। अब हमें पट्टी को इस तरफ करके एक सिलाई लगानी है और इसे फोल्ड करके इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ का आर्मोज भी हमें इसी तरीके से रेडी करना है। ये देखिए हमने रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रिल रेडी करनी है तो 2 फ्रिल हमें एक ही तरफ लगानी है। उसे मैंने बीच में से जॉइंट कर लिया है और बिल्कुल बारीक सा हमें इसे फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास पीको मशीन है तो आप पीको भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जिस तरीके से मैं एकदम बारीक फोल्ड कर रही हूँ इससे आप एक तरफ से ऐसे कर सकते हैं। अब हमने फोल्ड कर लिया है। अब देखिए कोई भी बारीक नोक वाली चीज़ या तो कटर ले लीजिए या फिर आप सुई ले लीजिए, उससे बिल्कुल छोटी छोटी फिनिशिंग के साथ आपको प्लेट्स डालनी है। तो ये दोनों पूरी पट्टी पे आपको ये फ्रिल डालकर रेडी कर लेना है। बिल्कुल छोटी छोटी फिनिशिंग के साथ आपको ये फ्रिल लगानी है। पूरी ही पट्टी पे फ्रिल डालकर रेडी कर लेना है। इसी तरीके से देखिएगा मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब मैंने नीचे की तरफ कमर पट्टी भी लगा ली है। इस तरीके से पूरा फिनिशिंग कर देना है हमें। अब सेंटर मार्किंग करनी है। पूरा ब्लाउज़ रेडी कर लिया है हमने, सिर्फ साइड की फिटिंग छोड़ देनी है आपको। अब यहाँ से मार्किंग करनी है आपको 3.5 इंच पर, 3.5 से 4 इंच पर आप मार्किंग कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको ले लेनी है 3.5 से 4 इंच पर आपको। यहाँ से भी आपको मार्किंग कर लेनी है 3.5 से 4 इंच पे। ये देखिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्किंग की है। अब नीचे से फ्रिल को फिनिशिंग कर देना है हमें, बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लेना है। अब हमें इसे उल्टी तरफ से लगाना शुरू करना है। ऊपर की तरफ फ्रिल हमारी उल्टी है क्योंकि हमारी ऊपर शोल्डर की तरफ सीधी तरफ ये पलट जाएगी, तो ये हमने उल्टी तरफ से लगाना इसे शुरू करा है। तो देखिए आपको फिनिशिंग के साथ जो लाइन ड्रॉ करी है हमने उसके ऊपर ये फ्रिल को रखकर सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो फ्रिल मैंने मेजरमेंट से रेडी करी थी बिल्कुल नीचे तक हमारी बराबर आई है। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा अगर थोड़ी भी बाहर निकलती है तो उसे कट करके आपको फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ से। बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लें आप इसे और वापस सिलाई को कंटिन्यू कर लें नीचे की तरफ, पक्का कर लें। अब देखिए फ्रिल को हमें इस तरफ से सीधा कर लेना है और ऊपर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। जो प्लेट से उसे नीचे की तरफ करते जाएं और फिनिशिंग से सिलाई लगाते जाएं। मैंने आपको यहाँ पर एक तरफ की फ्रिल लगाकर दिखाई है, दूसरी तरफ की फ्रिल भी आपको इसी तरीके से मेजरमेंट लेके लगानी है। आगे पीछे की तरफ से 3.5 इंच नाप लेना है सेंटर से आपको और सीधी लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, उसके ऊपर आपको ये फ्रिल लगा लेना है। ये देखिए दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ लगा ली है और ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। अब हम मेन फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको पिन लगा लेनी है फ्रंट पार्ट के सेंटर पर और यहाँ स्लीव्स लगाना चाहें तो स्लीव्स भी लगा सकते हैं आप।
अपनी पसंद से कोई भी छोटी बड़ी आप स्लीव्स लगा सकते हैं। और एक सिलाई हम यहाँ पर सीधी तरफ लगा लेंगे, ये गुम सिलाई होती है जो कि हमारे ब्लाउज़ के अंदर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेना है। अब मैंने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है फिटिंग लगाने के लिए, तो एक सिलाई साइड में हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगा लेंगे। और सेंटर से हमें चेस्ट और वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट का है 8 इंच और वेस्ट का है 6.5 इंच। इस तरीके से सीधी लाइन बना लेनी है फिटिंग की। और जितनी सिलाई आप लगाना चाहें यहाँ पर फिटिंग की, 1 या 2 इंच लगा सकते हैं। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। तो ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।